चेन्नई की लगातार तीसरी हार से भड़के धोनी, गिनाई टीम की ये गलतियां। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल का 13वां सीजन किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहा है। यूएई के खेले जा रहे टूर्नामेंट में धोनी की अगुवाई वाली सीएसके को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। उद्घाटन मैच में जीत के साथ शुरुआत करने वाली चेन्नई को पहले राजस्थान, फिर दिल्ली और अब हैदराबाद के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी। शुक्रवार को दुबई में खेले गए टूर्नामेंट के 14वें मुकाबले में सनराइजर्स के हाथों मिली हार के बाद धोनी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मैच के बाद उन्होंने गलतियों को गिनवाते खिलाड़ियों को फटकार लगाई। धोनी ने कहा कि उनके खिलाड़ियों को बार बार एक ही गलती दोहराने से बचना होगा और इस तरह से कैच टपकाकर मैच नहीं जीते जा सकते। चेन्नई ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ बेहद खराब क्षेत्र रक्षण किया और अभिषेक शर्मा को दो बार जीवन दान दिए। शर्मा ने प्रियम गर्ग के साथ 77 रन की साझेदारी करके हैदराबाद को 5 विकेट पर 164 रन तक पहुंचाया। जवाब में तीन बार की चैंपियन चेन्नई 5 विकेट पर 157 रन ही बना सकी। 47 रन बनाकर नाबाद रहने वाले धोनी ने कहा, मैं कई गेंदों पर खुलकर नहीं खेल सका, शायद कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस तरह की गर्मी में गला बार बार सूखता ही है।